वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वीडियो। फ्रेंड्स यदि आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते हैं और यदि आप अपने खुद के व्हीकल से नहीं जाते और आपके पास में कोई साधन नहीं होता और अनजान सिटी में जाते हैं तो मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप ट्रैवल के अंदर बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप लाइव जो बसेज होती है जो भी सिटी के अंदर बसेज चलते हैं आप उनको लाइव ट्रैक कर सकते हैं। उन बसों के अंदर GPS इनेबल है तो आप उनको बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आप अनजान सिटी में गए हुए तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी बस मेरे नियर में और कहाँ से मैं अपने एक डेस्टिनेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता हूं। इस सब आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी और एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें कोई भी साइनअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसके अंदर साइनअप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छी प्रकार से उसकी डिटेल्स ले सकते हैं, आप इससे टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स देखने के लिए आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलना होगा जहाँ से मैं आपको अच्छे प्रकार से बता पाऊंगा कि इस एप्लीकेशन में किस प्रकार से आपको इसको डाउनलोड करना और इसके कितने रेटिंग्स है, इसके सब डिटेल्स आपको हमारी इस मोबाइल की स्क्रीन पर चलने के देखने के बाद में मिलेगी। तो जल्दी से हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। और दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल जितेंद्र कासोटिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देखने को मिलती है वो भी हिंदी लैंग्वेज में और आपको इस चैनल पर आप लगातार कंटिन्यू वीडियोज देखने को मिलेगी। तो जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें सीधा प्ले स्टोर में जाना है, आप भी प्ले स्टोर में जा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जहाँ से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का मैं कोई प्रमोशन या कोई इसका स्पॉन्सर या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में हमें सर्च करना है चालो ऐप, यहाँ पर सर्च करेंगे हम चालो ऐप तो CHL चालो। यहाँ पे सर्च करने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन मिल जाएगा चालो लाइव बस ट्रैकिंग ऐप। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का है, इसके अंदर आप किसी भी अनजान शहर में जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला एप्लीकेशन होने वाला है क्योंकि इस एप्लीकेशन से आप लाइव बस को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बसेज या हो या प्राइवेट बसेज जिनके अंदर GPS इनेबल्ड होता है उनके सब इसको आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं आपको उसके अंदर वर्किंग भी करके बताऊंगा कैसे इसको आप यूज करेंगे। इसका जो लास्ट अपडेट है 6 जनवरी 2020 को आया हुआ है, इसके मैं आपको डेवलपर के कॉन्टैक्ट सब बता देता हूँ। इसमें डेवलपर है नई मुंबई का डेवलपर और ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो देखते हैं इसके अंदर और इसके अंदर मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको क्या रिव्यू लिखे हुए सब आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर 4.2 की रेटिंग है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर 22,000 रिव्यूज अब तक लोगों ने लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिर्फ 8 MB का एप्लीकेशन और इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जिसको सीधे से आप यहाँ से सिंपली से अपडेट, मेरा अपडेट आ रहा है तो मैं अपडेट कर लूँगा और आपको सीधा यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा अपडेट आ रहा था, मैं इसको छोटा सा अपडेट था, मैं इसको कैंसिल करके भी मैं कर सकता हूँ, 5 MB का अपडेट था जो मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। इस प्रकार से अपडेट हो जाने के बाद में इसको आपको ओपन करना होगा। इसके अंदर आपको कोई भी साइनअप करने का लिए नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से आपको सीधा सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में एप्लीकेशन चालू जो एप्लीकेशन वो लाइव ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ बसेज जिनको सर्च किया था। इसके अंदर आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही होगी जिसको होम बारी, इसके अंदर आपको रजिस्टर करने के लिए चार सकते हैं या कर सकते हैं या आप नहीं भी कर सकते। इसके अंदर आपको माई टिकट्स एंड पासेज आपको सब यहाँ पे डाल देना, इससे भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। सबसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ किस प्रकार से इसके अंदर आपको काम करना है। इसके अंदर आपको डेस्टिनेशन और बस नंबर डालने होंगे, जहाँ के आप इसके अंदर बस नंबर डालेंगे तो ये एप्लीकेशन उस बस की लाइव ट्रैकिंग उस नंबर की बसेज जो भी रूट पे चल रही है उनकी ट्रैकिंग दिखा देगा या आप यहाँ से टिकट भी बाय कर सकते हैं। ये सीधा गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बस के नंबर डाल देता हूँ, हमारे 7 नंबर बस है जो हमारे जयपुर के अंदर चलती है, तो इसकी लाइव ट्रैकिंग यहाँ पे दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ बसेज है जो यहाँ से अभी चल रही है, देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ से मेरे को जहाँ पे जाना चाहिए, मैं यहाँ पे गोपालपुरा पुलिस चौकी के पास में खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ से बता चल जाएगा कि 2 मिनट में मेरे पास एक बस आने वाली है जिसमें मैं आराम से बैठकर अपने गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक जा सकता हूँ। ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से आप अनजान शहर में जाते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो और भी आप बिना लूटपाट के। और बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर ऐसी टेक्स एंड टिप्स की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स ओवर।